नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। 25 जून और 27 जून को आपके चैनल हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स पर एक दिन के अंतराल के बाद नेपाल की राजनीति पर दो वीडियो प्रसारित की गई थी, जिसमें नेपाल की अंदरूनी राजनीति में चल रही उठापटक से निष्कर्ष यही निकला कि पीएम केपी शर्मा ओली का पत्ता कटना तय है। मगर जैसे ही 27 जून को ओली की डोली का विदाई का वीडियो आपके चैनल पर प्रसारित हुआ, 28 जून को पीएम ओली ने पूरी भारत मीडिया को निशाने पर ले लिया। उन्होंने सीधे सीधे चैनल का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि भारत मीडिया के अनुसार उनकी सरकार को गिराने की कोशिशें हो रही है, जिसमें उन्होंने काठमांडू के होटल में हो रही एक गुप्त मीटिंग का हवाला भी दिया है। मजे की बात यह है कि 27 जून को ओली की डोली की विदाई वाले वीडियो में हमने काठमांडू का जिक्र किया था, जिसमें बताया गया था कि नेपाल आरोप लगा रहा है कि काठमांडू में रो डेरा डाल चुकी है, परंतु यह तमाम विवरण मैंने नेपाल के हवाले और मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर ही रखा था। मैंने केवल यही कहा है कि केपी शर्मा ओली का जाने का वक्त आ चुका है और यह उनकी भारत विरोध की नीतियों और चीन को लुटाई गई नेपाल की जमीन की वजह से हो रहा है, जबकि पीएम ओली ने आरोप सीधा सीधा भारत पर जड़ दिया। खास बात यह है कि नेपाल के घटनाक्रम पर इस तरह की वीडियो हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स ने ही बनाई है। मैंने बाकायदा 25 जून को नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक के हवाले से तमाम बातें सामने रखी थी। वैसे भारत का काम दूसरे देशों में राजनीति की स्थिरता लाना नहीं है। अगर ओली काठमांडू का हमारा विवरण अपने बचाव में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इससे उनकी नीतियों पर पर्दा नहीं डल पाएगा। हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स अपनी बात पर अडिग है। ओली को अपनी अंदरूनी राजनीति से ध्यान हटाने के लिए भारत की मीडिया को बीच में घसीटने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद।